विश्व के कल्याण की ये जो भावना आप लोगों के द्वारा हुई है और विश्व का कल्याण हो रहा है भागवत जी के द्वारा, आप सभी जितने यजमानगण यहाँ आए हैं, आप लोगों ने अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का आयोजन करा के अपने पूर्वजों को कृतार्थ किया है। आने वाली पीढ़ी भागवत जी श्रवण श्रवण करने के बाद फिर कुछ शेष रह नहीं जाता। भागवत श्रवण कर लेने के बाद गया श्राद्ध सत्यनापी मुक्ति लेना भविष्य, यदि गया श्राद्ध करने से भी किसी की मुक्ति ना हो किसी कारणवश तो भागवत से ही फिर मुक्ति होती है, मोक्ष दायिनी है भागवत जी। और आप यजमान परिवारों ने जो कल्याण के लिए अपने पूर्वजों के लिए पोथी पाठ कराया है, अभी कल ही प्रश्नोत्तरी में हमसे कोई बहन कह रही थी कि उनकी माँ जब जिंदा थी तो उनका भाव था कि हम पोथी पाठ कराएं, पर वो करा ना पाई और उनका शरीर पूरा हो गया। फिर उनकी बेटी ने सुना था कि हमारी माँ की इच्छा थी, तो एक दिन उनकी माँ उनके सपने में आई। कल की घटना, कल मेरे से किसी बहन ने पूछा कहाँ बैठी, अच्छा ये बैठी, इन्होंने बताया कि इनकी माँ सपने में आई और बोली मैं बहुत दुखी हूँ। पर भागवत जी जब हुई तो इन्होंने कल ही बताया कि कल भागवत जी सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं बहुत सुखी हो गई हूँ स्वप्न में। कल की अभी अगर ना फोटो खींचे हो